हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे। अपना ऑलरेडी 6 चैप्टर जो है फाइनेंशियल सपोर्टिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, वहाँ इसके अंदर अपन ने ऑलरेडी 2 पार्ट्स पढ़ा दिया है। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने सीड भी पढ़ा, सेकंड पार्ट के अंदर अपन ने नाबार्ड पढ़ा। जिन बच्चों ने अभी भी मेरे प्रीवियस पार्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखा है, वहाँ जाके आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो उस दोनों पार्ट्स। अभी पार्ट पढ़ रहे जो है अपना थर्ड पार्ट होगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। नाम में तुम लोग को मालूम गिर रहा है कि क्या बोलना चाहता है ये इंस्टीट्यूट किसको सपोर्ट करेगा, जिसका बिजनेस क्या होगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री का होगा, वही बिजनेस को क्या करेगा ये कमीशन क्या करेगी, या तो बोल सकते हो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। देखो खादी एंड विलेज बहुत अभी अर्बन सेक्टर में इतना चल नहीं रहा है, बट हाँ रूरल एरिया में अभी भी उतना ही क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है उसका भी बिजनेस का। बट कहाँ ना कहाँ अपन देख रहे हैं कि भाई ग्रोथ देख रहे हैं खादी एंड विलेज में। सबसे ओल्डेस्ट एशियन टाइप का क्या है एक बिजनेस है, अपने इंडिया की बात करो तो बहुत ओल्डेस्ट टाइप का क्या है एक बिजनेस है, बट कहाँ ना कहाँ इतना उसको प्रमोशंस नहीं मिला, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इसको भी क्या करना है, सपोर्ट करना है, इसलिए कमीशन ही इन लोगों ने क्या कर दिया, बना दिया है। अगर उन लोगों को फंड की जरूरत चाहिए तो अगर उसका टारगेट ये है कि मुझे खादी विलेज खोलना है बिजनेस, तो अगर वो सोच रहा है कि मेरे पास फंड नहीं है तो ये कमीशन या तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या करती है, फंड प्रोवाइड कर सकती है। नॉट ओनली फंड, नॉन फाइनेंशियल सर्विस भी क्या करती है फंड प्रोवाइड, अरे ये कमीशन क्या करती है, प्रोवाइड करती है। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं ये चैप्टर्स को, ए पार्ट को। खादी वाज अ सिंबल एंड द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस इन अ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। ड्यूरिंग द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस खादी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन क्लोथ। इट प्रोवाइड अ लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस टू आर्टिसियंस इन द विलेज। After the independent government of India took several initiative to promotion and development of the khadi and village industry through its 5-year plan. पहले government के हर 5 साल के plans होते थे, उसके अंदर भी इनको बहुत ज़्यादा क्या मिला है, promotions मिला है। और government ने, क्योंकि ये business है कैसा है business है कि जो अपने independent भी नहीं होते, मतलब उससे पहले से ये business क्या कर रहा है, run out कर रहा है, तो government सोच रहे कि after independence इसको ज़्यादा importance देना चाहिए, कहाँ ना कहीं अपने country के growth के लिए क्या है, helpful है। टू प्रमोट द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड वॉज सेटअप इन 1953। इन 1956 अ स्टेट्यूटरी बॉडी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वॉज क्रिएटेड विद द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज अ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन एक्ट 1956। गवर्नमेंट ने बाद में जब इंडिपेंडेंस हो गया अपना देश 1947 में, उसके बाद गवर्नमेंट ने इस पे एक स्पेशल एक्ट ही बना दिया जो है खादी एंड विलेज कमीशन 1956। इन अप्रैल 1957 KVIC वॉज एस्टेब्लिश एंड टुक ओवर द वर्क फ्रॉम द ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। इट इज अ एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विद रिगार्ड्स टू द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री विद इन इंडिया। KVIC हैज इन हिट्स हेड ऑफिस एट अ मुंबई। याद रखना, वन मार्क के लिए ऑब्जेक्ट आ सकता है कि भाई KVIC का मेन ब्रांच या तो हेड ऑफिस किधर है, मुंबई में है। KVIC is actively working for planning, promotion and productions of the khadi as well as in a setting up the village and rural industry in India. मतलब वो खादी बिजनेस को सपोर्ट करती है और रूरल एरिया में जो भी बिजनेस सेटअप करना है उसका मेन पर्पज किसका है, ये KVIC का है। इट प्ले एन की रोल इन आइडेंटिफाइंग ऑफ द पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इंडस्ट्री एंड अंडरटेक द वैल्यूएबल टास्क फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपिंग अ लोकली ऑपरेटिंग विलेज एंटरप्राइजेस। It gives the emphasis on the utilization of the locally available raw materials and human skill, which is ultimately helps to generate a non-farm employment opportunity in the rural area. मतलब इनका मेन मोटो यही होता है कि भाई जपन जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे वो कौन से जनरेशन करे, डोमेस्टिक करे, और डोमेस्टिक के अलावा वो रूरल एरिया में आजू बाजू नियर एरिया में गाँव इलाकों में जो एम्प्लॉयमेंट मिल सकते हैं उनको ही क्या करते हैं, हायर करते हैं कि भाई उसके कारण क्या मिल जाएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी। इट इज़ अ प्ले अ रोल ऑफ द कोऑर्डिनेटेड विद द अदर एजेंसी एंगेज इन द रूरल डेवलपमेंट। KVIC received the fund from the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises for the effective implementation of the various program and scheme. मतलब KVIC को भी fund कौन provide करता है? MSME provide करता है। Thus KVIC used this fund to implement each program either directly through its state office or indirectly through a Khadi and Village Industry Board.
खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन फंक्शंस एट अ नेशनल लेवल एंड देर आर अ रिस्पेक्टिव स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड इन द डिफरेंट स्टेट टू अचीव द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन लोग ने बहुत सारे स्टेट के अंदर अपना ब्रांचेस खोले और कहा ना कहा अपने इंस्टीट्यूट खोले टू सपोर्ट द रूरल डेवलपमेंट। चलो देखते हैं केवीआईसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहले तो ऑब्जेक्टिव्स, तीन ऑब्जेक्टिव्स में इन लोग ने डिवाइड किया है। तो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टैब्लिशिंग केवीआईसी आर पहला है सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या करना है, उनको हेल्प करना है टू फॉर प्रमोटिंग प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सेलेबल आर्टिकल, मतलब जो भी गुड्स बना रहे हैं वो क्या हो, बिके, मार्केट में बिके और इन टर्म ऑफ उसको क्या मिले, रिटर्न में पैसा मिले, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इकोनॉमिक। और थर्ड है तो वाइडर ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस अमंग द पुअर एंड बिल्डिंग अप द स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट, मतलब कहा ना कहा उनको क्या है अपने आप पे भरोसा दिलाना है, मतलब किसको, रूरल पीपल को, कि भाई तुम लोग कुछ कर सकते हो, अगर कुछ जरूरत पड़े तो हम लोग पीछे बैठे हैं। तो कहा ना कहा एक सेल्फ रिलायंस, अपने आप में भरोसा दिलाने के लिए मेन तो ये इंस्टीट्यूट को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव थ्रू इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम ऑफ द केवीआईसी। देखते हैं इसके फीचर्स क्या है केवीआईसी के। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ केवीआईसी। फर्स्ट है रूरल डेवलपमेंट, अपन को मालूम ही है क्योंकि नाम में ही लिखा था केवीआईसी के, भाई पहला ही क्या है उसको, रूरल डेवलपमेंट। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज रिसाइडिंग इन द रूरल इंडिया। केवीआईसी इज अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन विच प्ले अ एक्टिव रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इंडिया। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, पर्टिकुलरली इन द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया। केवीआईसी फैसिलिटेट प्रमोट द यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन द रूरल इंडिया फॉर जनरेटिंग इनकम फॉर द रूरल मासेस। इट ऑल्सो प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द टीनी कॉटेज एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस इन अ रूरल एरिया। मतलब पूरी बात किस पे लिखी है इसने, एक ही सेंटेंस को रिपीट किया कि भाई जो भी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे वो किस, कौन से डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, रूरल डेवलपमेंट के लिए ही काम करेंगे। जो भी मेन मोटो होगा क्या करना है, रूरल डेवलपमेंट को क्या करना है, प्रमोट करना है। सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये तो अपन ने मीनिंग में भी पढ़ लिया था, कहा ना कहा अगर सपोज की फॉर एग्जाम्पल अपन डोमेस्टिक ही एम्प्लॉयमेंट क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और उसमें से भी ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, और उसमें से भी अगर अपन रूरल एम्प्लॉयमेंट को ही जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो कहा ना कहा उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, कहा ना कहा उनका भी जो भी पर कैपिटा इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी। कहा ना कहा अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या कर सकता है, वो हाई कर सकता है, और उसको माइग्रेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे अर्बन सिटीज़ के अंदर। अपन कभी कभी के देखते हैं कि रूरल पीपल्स क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं अर्बन सिटीज़ में, क्यों, वहाँ पे उनके पास क्या नहीं है, जॉब नहीं है। अगर सपोज कि ऐसी सब इंस्टीट्यूट आके अगर कहाँ ना कहाँ सपोर्ट कर रही है तो कहाँ ना कहाँ वो अपने फैमिली के साथ वहाँ ही बिजनेस क्या कर सकता है, सेटअप कर सकता है। ड्यू टू द मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर इज लूजिंग इट्स एबिलिटी टू जनरेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया। इट इज़ अ नेसेसरी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द फास्ट इंक्रीजिंग वर्कफोर्स इन अ रूरल एरिया। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री आर अ लेबर इंटेंसिव इन द नेचर। द केवीआईसी इज एस्टैब्लिश विद द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरिया। इट ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेटरमेंट ऑफ द रूरल आर्टिशियंस एंड सोशल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। द केवीआईसी हैज बिकम अ जनरेटिंग अ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट इन अ रूरल एरिया विद अ लो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट। मतलब कि भाई उनको विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट उनको क्या मिल सकता है, जॉब मिल सकती है। मतलब नॉट ओनली फार्मा सेक्शन के, नॉन फार्म सेक्शन के अंदर भी उन लोगों को क्या करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या करके देती है, क्रिएट करके देती है, कौन, केवीआईसी। थर्ड हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कि भाई मैंने तुम लोग को अभी जस्ट बोला कि अगर जिसके पास कैपेबिलिटी है कि वो कुछ कर सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, बट उसके पास फंड नहीं है, नॉट ओनली फंड, जिसके पास फंड भी है बट अदर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है नॉन फाइनेंशियल, तो उसको भी सपोर्ट कौन करता है, केवीआईसी करता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द केवीआईसी। केवीआईसी हेल्प्स टू प्रोवाइड एडिशनल लाइवलीहुड एवेन्यू टू द विलेज कम्युनिटीज। KVIC generates self-employment opportunity through establishment of the micro enterprises by organizing traditional artisans and the unemployed youth.
इट इंक्रीज देयर अर्निंग कैपेसिटी एज वेल एज प्रिवेंट माइग्रेशन। मैंने तुम लोगों को जज बोला कि अगर वो बंदे के पास कैपेबिलिटी, अगर सपोज कि ऐसी कोई इंस्टीट्यूट आके सपोर्ट कर रही है, तो कहाँ ना कहाँ उसकी कैपेसिटी, जो अर्निंग की कैपेसिटी, नथिंग बट पर कैपिटा की बात कर रहा हूँ, वो तो बढ़ेगी और क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेशन। वो क्या हो सकता है, माइग्रेशन होने से भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है उसका माइग्रेशन। मतलब कि अपन देखते हैं कि भाई, मैंने तुम लोगों को भी जज बोला कि भाई उसके पास सब कैपेबिलिटीज है, बट उसके पास क्या नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है रूरल एरिया में, तो कहाँ ना कहाँ उसको माइग्रेट ही होना पड़ेगा अर्बन सेक्टर के अंदर। बट कहाँ ना कहाँ सपोज कि फॉर एग्जांपल ये केवीआईसी जैसे और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट अगर वहाँ पे रूरल एरिया में अगर सपोर्ट कर रही है, अपॉर्चुनिटीज दे रही है, तो कहाँ ना कहाँ उसको माइग्रेट होने की जरूरत पड़ेगी नहीं। द केवीआईसी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मेनी इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन फॉर पॉपुलराइजिंग इट्स प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ, फाइनेंशियल असिस्टेंट। ऑफकोर्स सबका मेन मोटो तो यही है, अपन ने सब में पढ़ा, एक कॉमन पॉइंट है फाइनेंशियल असिस्टेंट कि भाई इन लोग को एक कमीशन बनाया है, क्यों ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाया है, क्योंकि भाई इन लोग क्या करें, फाइनेंस दे। तो पहला नेक्स्ट हो जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंट। पैसा देने के बाद उसको कैसे असिस्ट करना है, मतलब कि पैसा दे देना इज नॉट मोटो, उसका मोटो ये होता है कि पैसा देने के बाद हाउ टू यूज, हाउ टू प्लान, किधर कितना इन्वेस्ट करना है आप लोग को, वो भी कौन करता है, गाइडेंस कौन देता है, केवीआईसी या तो फाइनेंशियल इंश्योरेंस देते हैं। केवीआईसी फॉर्मुलेट मेनी स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर अ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इट फाइनेंस टू द प्रोजेक्ट ऑफ फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द मार्जिन मनी बाय वे ऑफ द सब्सिडी। देर आर अ प्रोविजन फॉर अ हायर रेट ऑफ द सब्सिडी इन केस ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ द वीकर सेक्शन, ट्राइबल एरियाज एंड बैकवर्ड रीजन। दिस स्कीम आर इम्प्लीमेंटेड बाई द केवीआईसी स्टेट यूनियन ऑफ द केवीआईसी एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बैंक। द केवीआईसी ऑल्सो प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल फॉर अ डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। मैं यहाँ पे खादी एंड विलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक और एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई सपोज कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट भी बहुत सारे सपोर्ट्स करते हैं फार्मर को। अपन देखते हैं कि भाई सपोज कि जो फार्मर रहेगा उसके पास अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडी की बात आई है इसलिए मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि सपोज कि आप उसके पास पैसा नहीं है, पैसा है बट बहुत कम पैसा है, बट उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको क्या करती है, ट्रैक्टर लेने में हेल्प तो करती है, प्लस उनको क्या करती है, सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज का मतलब समझा नहीं, सपोज कि फॉर एग्जांपल 5 लाख का उसका ट्रैक्टर आ रहा है, तो उसके अंदर उसके पास 2-3 लाख ही है, तो कहाँ ना कहाँ गवर्नमेंट 1-2 लाख क्या करेगी, सब्सिडीज देगी। मतलब 1-2 लाख का कहाँ ना कहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, इन फॉर्म ऑफ बात करूँ तो सब्सिडी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। To face the challenges of the globalization, KVIC has introduced a number of new product range like the khadi denim jeans to cater the need of the market. The KVIC undertake the training of the sales staff for effective marketing of the product. KVIC is taking a several steps to meet the standard of the quality to ensure the genuineness of the khadi product. देखो over a period of time खादी और विलेज वाले ने भी अपने product के अंदर क्या लाए, changes लाए, क्योंकि लाना ही पड़ेगा changes। अगर suppose कि अगर market के अंदर competition है, अगर उसको compete करना है आपको, तो आपको अपने product में varieties लानी पड़ेगी। और over a period of time अपन ने देखे भी थे कि खादी के क्या आए थे, jeans भी आए थे, क्योंकि अपना कहाँ ना का कल्चर जो इंडियन कल्चर का आता है फॉरेन कल्चर के तरफ, नॉट ओनली फॉरेन मॉडर्न कल्चर के अंदर फॉलो और कर रहे थे, उसके अंदर जीन्स टी शर्ट भी इन लोग क्या करें ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या करें बनाने लगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर सपोज कि आपको मार्केट को कम्पीट नहीं करेगा तो कहाँ ना कहाँ अपन आउट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केवीआईसी इज टेकिंग अ सेवरल स्टेप टू सेटअप द स्टैंडर्ड क्वालिटी टू एंश्योर जीनियननेस ऑफ द खादी प्रोडक्ट। केवीआईसी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजाइन to provide a design support services, packaging, marketing and communication, publicity, dissemination material and other design related activity. KVIC is also charged with the responsibility of the encouraging and promoting the research in the productions of technique and equipment employed in the khadi and village industry. Over a period of time, उन लोग ने अपने product के अंदर तो changes लाए, even though अपनी जो techniques ही बनाने के product के अंदर वो भी क्या किया, over a period of time उन लोग ने क्या किया, change कर दिया। KVIC play an important role in a technological improvement in product and process of the khadi and village industrial in reducing the cost of production and
डिराइव हायर इनकम. ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन लोगों ने क्या किया, एक इम्प्रूवाइजेशन भी लाया कि अपन कॉस्ट कैसे कट कर सकते हैं. देखो इनकम बढ़ाना है आपको तो प्राइस तो नहीं बढ़ा सकते ड्यू टू कॉम्पिटिशन, तो आपको क्या करना है कॉस्ट कैसे कम करें, अल्टीमेटली इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो ये बोल रहा है. इट ऑल्सो प्रमोट द यूज ऑफ नॉन कंजर्वे कन्वेंशनल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक पावर फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सिक्स पॉइंट हो जाएगा मार्केटिंग एंड प्रमोशन. इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द यूथ जनरेशन द KVIC इज होल्डिंग द एग्जीबिशन सेमिनार एंड लेक्चर्स इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस टू डिसेमिनेट द नॉलेज ऑफ द KVIC प्रोडक्ट. KVIC हैज ऑल्सो लॉन्चेज अ मैसिव मार्केटिंग डेवलपमेंट प्लान टू जनरेट द इंटरेस्ट अवेयरनेस एंड अट्रैक्शन अमंग द मैसेज. देखो आज की यंग जनरेशन की बात करो तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेके खादीर विलेज में, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए अपन देखते हैं कि बहुत सारे सेमिनार्स करते हैं इन लोग टू अट्रैक्ट द नथिंग बट यंग यूथ, कि भाई उनको कैसे अपन अट्रैक्ट कर सकते हैं और वो भी क्या कर सकता है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है थ्रू कादियन विलेज. ठीक है, तो कहाँ ना कहाँ इन लोग के बहुत सारे प्रमोशंस और कहाँ ना कहाँ इन लोग के बहुत सारे ट्रायल एंड एरर के बाद इन लोग भी क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन के अंदर क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट ले रहे हैं. Efforts are taken for improvement in the quality of product, packaging and marketing. The government will continue to encourage the khadi and village industry sector so that its product can become a more competitive. Yaar, not only institute but government bhi kya kar raha hai, ultimately support kar raha hai kis kaun se business ko, khadi business ko, kyunki unko bhi malum hai ki kahan na kahan sabse oldest business yahi tha. Even though apna independence nahi ho to usse pehle bhi jab bhi foreign product the usko compete karne ke liye apne paas ek hi product tha jo hai khadi wala, to unko malum hai ki bhai bahut oldest type of business hai, isko to ban nahi kar sakte. Kahan na kahan agar suppose ke future mein koi problems aa jati hai to khadi once again kya kar sakte hai, apna product मोर एक्सप्लोर कर सकती है. तो कहाँ ना कहाँ गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, यंग यूथ को भी अट्रैक्ट करेगी, तुम लोग भी क्या करो इसके अंदर क्या करो पार्टिसिपेट लो. नॉट मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको टेक्नोलॉजी या तो अदर आईटी सेक्टर में ही इंटरेस्ट लेना है. अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दूसरे सेक्टर्स में भी इंटरेस्ट है तो आप ये बिजनेस के अंदर भी क्या कर सकते हो, आप इंटरेस्ट ले सकते हैं. और लास्ट है अदर फंक्शंस. The KVIC is charged with the planning, promotion, organization and implementation of the program for a development of the khadi and other villages industry in the rural area. It organizes training program for artisans engaged in the khadi and village industry. The KVIC may also undertake the directly or through other agencies study the concentrating the problem of the khadi and village industry. कहाँ ना कहाँ ये institute भी क्या कर रही है, support कर रही है. Not only support, मैंने पहले बोला कि financial support तो करती ही है. Non-financial की बात करूँ तो इन लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस भी रख रहे थे भाई, जिसको होगा सपोज की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है और जिसको जिनरली ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करें, नथिंग बट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए भी ये इंस्टीट्यूट क्या करती है, अल्टीमेटली सपोर्ट करती है. तो ये हो जाएगी आपके नथिंग बट खादी एंड विलेज के फीचर्स. वंस अगेन रिपीट करेंगे अपन बच्चों लोग, क्या पढ़ा, रूरल डेवलपमेंट क्योंकि नाम में लिखा था खादी एंड विलेज रूरल डेवलपमेंट. सेकंड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. थर्ड पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. फोर्थ पढ़ा फाइनेंशियल असिस्टेंट. ये तो सबके अंदर सेम ही है क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मेन मोटो क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, नथिंग बट गाइडेंस देना है. फिफ्थ हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सिक्स हो जाएगा मार्केटिंग एंड प्रमोशन. और सेवन्थ हो जाएगा अदर फंक्शंस. तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे वाइंडिंग अप कर रहा हूँ. नेक्स्ट वाला पार्ट जो होगा अपना वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप, और उसके बाद लास्ट पार्ट हो जाएगा अपना हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, और चैप्टर्स को क्या करेंगे, वाइंडिंग अप कर देंगे. ठीक है, टिल टाइम चैनल के लिए प्लीज़ अपडेट रहिए. थैंक यू सो मच.